तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ मार्वल यूनिवर्स की नहीं बल्कि मार्वल के साथ साथ डीसी यूनिवर्स की भी बात करेंगे। मार्वल और डीसी दोनों ही जाने जाते हैं अपने जबरदस्त और पावरफुल फिक्शनल कैरेक्टर्स की वजह से, क्योंकि इन दोनों ही यूनिवर्सेस के अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि एक ही पल में एक पूरे प्लेनेट, एक गैलेक्सी या फिर यहां तक कि एक पूरे यूनिवर्स तक को मिटाने की पावर्स रखते हैं। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारे पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करते हैं और जानते हैं मार्वल और डीसी के 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स को। इस लिस्ट के सारे कैरेक्टर्स कॉस्मिक कैरेक्टर्स हैं और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आप इन सब में से सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स को जानते हो और बाकी के सारे कैरेक्टर्स आपके लिए बिल्कुल ही नए हो। इस वीडियो के अंदर हमने 10 कैरेक्टर्स की बात की है और क्योंकि ये कैरेक्टर्स मार्वल और डीसी दोनों से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इन 10 में से 5 कैरेक्टर्स मार्वल के हैं और 5 कैरेक्टर्स डीसी के हैं और इन सभी को हमने ऑल्टरनेट ऑर्डर में अरेंज किया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी ऐसी खतरनाक वीडियोस को हमेशा टाइम से पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और आपने वीडियो को लाइक किया है इस बारे में हमें कमेंट्स में भी बताइए। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, द स्पेक्टर। तो डीसी यूनिवर्स के गॉड यानी कि द प्रेजेंस एक बार अपनी पावर्स को यूज करके एक कॉस्मिक एंटिटी को क्रिएट करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है डिवाइन वेंजेंस को, और इसी कॉस्मिक एंटिटी को हम सभी जानते हैं द स्पेक्टर के नाम से। द स्पेक्टर पूरे डीसी यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसकी पावर्स की कोई सीमा नहीं है। स्पेक्टर के पास डिवाइन पावर्स भी हैं और इनकी मदद से ये टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, यूनिवर्स के पूरे मैटर को कंट्रोल कर सकता है और यहां तक कि रियलिटी में भी चेंजेस कर सकता है। और अपनी इन्हीं सारी पावर्स के दम पर द स्पेक्टर डीसी यूनिवर्स के डेविल्स को पनिश करता है। स्पेक्टर की पावर्स एक फोर्स के साथ काम करती है जिस फोर्स को कहा जाता है स्पेक्टर फोर्स, और जब भी स्पेक्टर को अपनी पावर्स को यूज करना होता है तब वो अपने इस फोर्स को एक ह्यूमन की सोल के साथ मर्ज कर देता है जिसके बाद जाकर ही अपनी पावर्स को यूज करता है। और क्योंकि स्पेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है इसीलिए डीसी यूनिवर्स के अंदर आज तक सिर्फ 3 ही ऐसे ह्यूमंस हैं जो कि स्पेक्टर की स्पेक्टर फोर्स को कंट्रोल कर पाए हैं। नंबर 9, एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर इटर्निटी, इन्फिनिटी, ऑब्लिवियन और डेथ को एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये चारों कॉस्मिक एंटिटीज यूनिवर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी कॉस्मिक एंटिटीज टाइम, स्पेस, मैटर और रियलिटी जैसे यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स को चेंज और मैनिपुलेट कर सकते हैं। इटर्निटी, इन्फिनिटी, ऑब्लिवियन और डेथ, इन चारों को ही एक दूसरे का सिब्लिंग्स कहा जाता है, और इन्हीं में से इटर्निटी और इन्फिनिटी पूरे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं और ऑब्लिवियन और डेथ डिस्ट्रक्शन को। पर इन चारों ही कॉस्मिक एंटिटीज का हेड द लिविंग ट्रिब्यूनल है और ये चारों ही लिविंग ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स को ही फॉलो करते हैं। वैसे अगर इन्हीं चारों में से अगर आप डेथ के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो अभी हम अपने चैनल के ऊपर इन्फिनिटी गाउंटलेट कॉमिक सीरीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिस कॉमिक सीरीज के अंदर डेथ का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप चाहें तो उस ऑनगोइंग सीरीज को देखकर डेथ के बारे में काफी अच्छे से जान सकते हैं। नंबर 8, एलन बेलॉक। तो एलन बेलॉक एक एंजल है बट ये पूरी तरह से एंजल नहीं है बल्कि ये आधी एंजल है। एलन बेलॉक माइकल डिमर्गस की बेटी है और जब माइकल डिमर्गस की डेथ हो जाती है तब ये अपने फादर की सारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेती है जिसके बाद जाकर ये पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती है। एलन बेलॉक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि डीसी कॉमिक्स के अंदर इसने कई बार ऐसे काम किए हैं जिन कामों को देखकर इसे द प्रेजेंस के बराबर भी बताया जा सकता है, और इसीलिए एलन बेलॉक डीसी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक कहलाती है। एलन बेलॉक ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट भी है और इसीलिए इसके पास भी द प्रेजेंस जैसी कई सिमिलर पावर्स हैं। लेकिन इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी एलन बेलॉक को अपनी पावर्स के बारे में ढंग से पता भी नहीं है और वो ये भी नहीं जानती कि उसके पास कौन कौन सी पावर्स और एबिलिटीज हैं, और यहाँ तक कि अपनी जिन पावर्स के बारे में एलन को पता है वो उन्हें भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती है। नंबर 7, द लिविंग ट्रिब्यूनल। द लिविंग ट्रिब्यूनल एक मोस्ट पावरफुल ह्यूमनॉइड कॉस्मिक एंटिटी है जो कि पूरे मार्वल मल्टीवर्स के अंदर अकेला एग्जिस्ट करता है, यानी कि मार्वल के इस कॉस्मिक कैरेक्टर का और कोई दूसरा वेरिएंट नहीं है। लिविंग ट्रिब्यूनल के टोटल 3 हेड्स हैं जो कि इक्वालिटी, नेसेसिटी और वेंजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लिविंग ट्रिब्यूनल का काम है सारे यूनिवर्सेस के रियलिटी को मेंटेन रखना और मल्टीवर्स के बैलेंस को कायम रखना। द लिविंग ट्रिब्यूनल की ट्रू पावर्स इतनी ज्यादा है कि इसके आगे इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइन पावर्स भी कुछ भी नहीं है, और यहां तक कि मार्वल के सारे कैरेक्टर्स एक साथ मिलकर भी द लिविंग ट्रिब्यूनल का कुछ नहीं कर सकते। और मार्वल मल्टीवर्स के अंदर भी अगर सिर्फ 2-3 कैरेक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो फिर लिविंग ट्रिब्यूनल बाकी सभी से ज्यादा पावरफुल है।
नंबर 6 लूसीफर मॉर्निंग स्टार एंड माइकल डिमर्गस। तो लूसीफर मॉर्निंग स्टार डीसी का बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को आप सभी ने लूसीफर की लाइव एक्शन सीरीज के अंदर भी देखा होगा। लूसीफर मॉर्निंग स्टार डीसी के द प्रेजेंस का बेटा है और इसीलिए आर्क एंजल एक नाई ओमनीसिएंट डिवाइन बीइंग है। डीसी का ये कैरेक्टर लूसीफर मॉर्निंग स्टार बेस्ड है अब्राहम स्क्रिप्चर के लूसीफर के ऊपर, जो कि किंगडम ऑफ हेवन के खिलाफ जाकर पूरे हेवन को अपोज करता है और फिर उसके बाद जाकर ये हेल को भी रूल करता है। लेकिन जब बहुत सालों तक हेल के ऊपर रूल करने के बाद लूसीफर अपने इस काम से बोर हो जाता है, तब वो हेल से निकलकर सीधा अर्थ के ऊपर चला जाता है। और अगर आप बात करें लूसीफर के भाई माइकल डिमर्गस के बारे में, तो माइकल डिमर्गस लूसीफर का भाई और द प्रेजेंस का दूसरा बेटा है। और अभी इस लिस्ट में हमने जिस एलन बेलोक की बात की थी, ये उसका फादर भी है। माइकल डिमर्गस भी एक एंजल है और एक डिवाइन कॉस्मिक बींग होने की वजह से इसके पास भी अनलिमिटेड पावर्स है। डीसी कॉमिक्स के अंदर माइकल डिमर्गस को द गॉड ऑफ पावर कहा गया है, यानी कि पावर का गॉड। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें लूसीफर की, तो लूसीफर को द गॉड ऑफ विल कहा गया है, यानी कि विल का गॉड। हालांकि डीसी कॉमिक्स के अकॉर्डिंग माइकल डिमर्गस और लूसीफर मॉर्निंग स्टार्स की पावर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि जब भी माइकल डिमर्गस किसी चीज को क्रिएट करता है तो उस चीज को शेप देने के लिए उसे अपने भाई लूसीफर की मदद की जरूरत पड़ती है। नंबर 5 बियॉन्डर। तो बियॉन्डर बियॉन्डर्स की रेस का एक बहुत ही पावरफुल मेंबर है और इसकी रेस मार्वल के सबसे पावरफुल रेसेस में से एक है। बियॉन्डर एक ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट टेलीपोर्टर और एक पावरफुल रियलिटी रैपर है और इसीलिए बियॉन्डर हर वो चीज कर सकता है जो वो करना चाहता है। बियॉन्डर की जनरल एबिलिटी ये है कि बियॉन्डर रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि बियॉन्डर एक पूरी की पूरी रियलिटी को भी अपने हिसाब से क्रिएट मैनिपुलेट और इवन चेंज भी कर सकता है। और इसी वजह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर इन सब के साथ ही बियॉन्डर एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, रियलिटी रैप कर सकता है, इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कर सकता है और यहाँ तक कि किसी के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है। और इसी वजह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर बियॉन्डर को इटर्निटी और लिविंग ट्रिब्यूनल जैसे मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज से भी ज्यादा पावरफुल बताया गया है। बियॉन्डर मार्वल कॉमिक्स के अंदर अपनी पावर्स को कई बार शो कर चुका है, जैसे कि एक बार वो अर्थ के सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को उठाकर उन्हें बैटल वर्ल्ड के अंदर डाल देता है और वहां पर उन सबके बीच फाइट करवा के एंजॉय करता है। और इसके अलावा जब एक बार बियॉन्डर पूरे मल्टीवर्स को भी खत्म करने की कोशिश करता है और फिर जब उसे रोकने के लिए लिविंग ट्रिब्यूनल आता है, तब बियॉन्डर अपनी पावर से लिविंग ट्रिब्यूनल को भी जान से मार देता है। नंबर 4 द सोर्स। तो ये द सोर्स डीसी यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और ये डीसी की दुनिया के अंदर एक हाई आउटरवर्सल लेवल कैरेक्टर है। द सोर्स ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट और ओमनीप्रेजेंट भी है, बट डीसी कॉमिक्स के अंदर ऐसा मेंशन किया गया है कि द सोर्स ट्रू ओमनीपोटेंट नहीं है और इसीलिए इससे ऊपर के कैरेक्टर्स इससे ज्यादा पावरफुल है। इनके अलावा द सोर्स मैटर और एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, टेलीपोर्टेशन कर सकता है और यहां तक कि रियलिटी भी चेंज कर सकता है। वैसे इसके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर द सोर्स हमें इटर्निटी की याद दिलाता है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि मार्वल का इटर्निटी डीसी के दास सोर्स से बहुत डिफरेंट है। नंबर 3 वन बिलो ऑल। तो वन बिलो ऑल मार्वल का एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग है जो कि हेल के सबसे बॉटम में एग्जिस्ट करता है और इसी वजह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी इसे अब तक बहुत ही कम बार देखा गया है। वन बिलो ऑल मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहले सामने आया था द इमोर्टल हल्क कॉमिक सीरीज के इन एवरी मिरर इशू 5 के अंदर। वन बिलो ऑल हेल को एम्पावर करता है और इसीलिए मार्वल के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हेल से जुड़े हैं उन सबकी पावर्स का अल्टीमेट सोर्स भी वन बिलो ऑल ही है, जैसे कि मार्वल का लूसीफर और मेफिस्टो, इन सबकी पावर्स का अल्टीमेट सोर्स वन बिलो ऑल ही है। वन बिलो ऑल वैसे तो बहुत पावरफुल है और ये अगर चाहे तो एक ही झटके में पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन ये कॉस्मिक बीइंग एक डिफरेंट डायमेंशन से बिलोंग करता है और इसीलिए उस डायमेंशन से रियल वर्ल्ड के अंदर आने के लिए इसे डोर ऑफ हेल का यूज करना पड़ता है, जिस डोर ऑफ हेल का मेंशन हमें इमोर्टल हल्क सीरीज में मिला था। नंबर 2 द प्रेजेंस। तो डीसी यूनिवर्स का मेन गॉड यानी कि द प्रेजेंस एंटायर डीसी यूनिवर्स और इवन एंटायर डीसी मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि अपने मन से जो मर्जी कर सकता है और ये हर वो काम कर सकता है जो ये करना चाहता है। डीसी के अंदर द प्रेजेंस को मेन गॉड भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि डीसी के अंदर बहुत सारे गॉड्स हैं, जैसे कि ग्रीक गॉड्स, नॉर्स गॉड्स, इजिप्शियन गॉड्स और इवन क्रिप्टोनियंस भी, जिनकी पावर्स भी किसी गॉड से कम नहीं है, लेकिन द प्रेजेंस इन सबसे ऊपर है और उसकी पावर्स इन सारे गॉड से ज्यादा है। द प्रेजेंस एक ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट और ओमनीप्रेजेंट बीइंग है जो कि डीसी यूनिवर्स के अंदर हर एक जगह पर प्रेजेंट है और इसे हर चीज का नॉलेज है। द प्रेजेंस के एक्शंस को ना तो रोका जा सकता है और ना ही द प्रेजेंस को मारा जा सकता है, लेकिन अगर वही द प्रेजेंस चाहे तो किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, पूरी की पूरी रियलिटी तक को चेंज कर सकता है और अगर वो चाहे तो किसी भी कैरेक्टर को एग्जिस्टेंस से ही खत्म कर सकता है। नंबर 1 वन अबव ऑल। तो वन अबव ऑल पूरे मार्वल मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है जिसकी पावर्स की कोई लिमिट्स ही नहीं है। वन अबव ऑल ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट और ओमनीप्रेजेंट है
यानी कि वन अबव ऑल सबसे पावरफुल है, सारी चीजों की नॉलेज रखता है और वो पूरे मार्वल मल्टीवर्स के अंदर सब जगह प्रेजेंट है। वन अबव ऑल टाइम और स्पेस के भी परे हैं, जिस वजह से टाइम और स्पेस का कोई भी लॉ वन अबव ऑल के ऊपर लागू नहीं होता। वन अबव ऑल पूरे मार्वल मल्टीवर्स को कंट्रोल करता है और इसीलिए ना तो वन अबव ऑल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ना ही उसे रोका जा सकता है और ना ही वन अबव ऑल को मारा जा सकता है। और द लिविंग ट्रिब्यूनल जो कि पूरे मार्वल मल्टीवर्स को मेंटेन और बैलेंस करता है, वो भी वन अबव ऑल का ही सर्वेंट है जो कि अपने सारे काम वन अबव ऑल के ही कहने पर करता है। और मार्वल मल्टीवर्स को किस तरह से बैलेंस करना है वो लिविंग ट्रिब्यूनल को वन अबव ऑल ही बताता है। वन अबव ऑल मार्वल मल्टीवर्स का गॉड है, लेकिन अगर आसान भाषा में कहें तो वन अबव ऑल को आप मार्वल मल्टीवर्स का क्रिएटर समझ सकते हैं। और अगर कुछ कॉमिक क्रिएटर्स की माने तो वन अबव ऑल लेजेंडरी कॉमिक बुक राइटर जैक कर्बी का कॉमिक बुक फॉर्म है, वही जैक कर्बी जिन्होंने मार्वल कॉमिक्स की ज्यादातर स्टोरी लाइन्स को लिखा है। और इसीलिए मार्वल का चाहे कोई भी कैरेक्टर क्यों ना हो, वो वन अबव ऑल के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वन अबव ऑल चाहे तो एक ही सेकंड में उस कैरेक्टर की एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर सकता है, फिर चाहे वो कैरेक्टर कोई भी हो। और इसीलिए वन अबव ऑल पूरे मार्वल मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। तो दोस्तों यही थी वीडियो मार्वल और डीसी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और आपने वीडियो को लाइक किया इस बारे में हमें कमेंट्स में भी बताइए, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की कमाल की वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहते हैं। वैसे इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कई कमाल की वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके या फिर डायरेक्टली हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप वो सारी वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।